जो प्रीवियसली भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई कैन बेट के आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड हो जाएगी और आपके कोई भी आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे ओके okay? राइट right? चलो नेक्स्ट अपन करते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी रिलेट्स टू परमिटिंग द्लेटिफ टू विद्रॉ दी सूट विदिबर्टी टू फाइल देश सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर ओके ऑर्डर ट्वेंटी थ्री रूल वन सब रूल थ्री ऑर्डर ट्वेंटी थ्री रूल टू ऑर्डर ट्वेंटी थ्री रूल थ्री और रूल थ्री एस काफी सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है so 3k answer is a order 23 rule 1 sub-rule 3 of cpc right Chalo next if the requisite court fee is not paid on the plaint in spite of an order by the court plaint shall be returned to the plaintiff it shall be rejected suit shall be dismissed and the plaintiff shall be permitted to withdraw the suit yes का आंसर इज बी बी शैल रिजेक्टेड ओके चलो नेक्स्ट नो वन इज गिविंग द आंसर्स जल्दी जल्दी आंसर दें कमेंट बॉक्स के अंदर यस क्वेश्चन नंबर इफ द कोर्ट परमिट्स अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स विदाउट विदाउटेटिंग द टाइम लिमिट टू कैरी आउट द अमेंडमेंट एज पर ऑर्डर सिक्स रूल एटीन ऑफ सीपीसी अमेंडमेंट हैज टू बी कैरिड आउट विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर कितने दिन का इसमें प्रावधान दे रखा है ऑर्डर सिक्स रूल एटीन के अंदर बाकी इसलिए का आंसर आ गया फोर्थ का बी यस बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, फोर्थ का आंसर वॉज बी फिफ्थ का भी बी अंजलि कह रहे हैं सर क्वेश्चन हिंदी में भी लाएं यस अंजलि बिल्कुल आ, हम इंग्लिश सॉरी हिंदी में भी क्वेश्चंस लेके आते हैं ओके लेकिन अभी आप हाल फिलहाल इन क्वेश्चंस का आंसर दें हिंदी में भी अपन प्रैक्टिस करेंगे डोंट वरी ओके यस फिफ्थ का आंसर इज बी फोर्टीन डेज यस वेरी गुड चलो नेक्स्ट अंडर विच प्रोविजन्स ऑफ सीपीसी अ कोर्ट विच पास द डिग्री कैन स्टे दूशन ऑफ एन अपीलेबल डिग्री यस क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर स्टे की बात हो रही है का सी, यस, वेरी गुड, ऑर्डर फोर्टी वन रूल फाइव सब रूल टू एग्जैक्टली यस वेरी गुड ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन एज पर ऑर्डर थर्टी नाइन रूल थ्री एडर थर्टी नाइन से डील करता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं ठीक है ऑफ दीपीसी वेयर एन इंजंक्शन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी द कोर्ट शाल मेक एन एंडेवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन डैश डेज ऑन विच द इंजेंशन वॉज ग्रांटेड यस कितने दिन का वो टाइम पीरियड दे रखा है टेम्परे इंजंक्शन है okay? okay? yes. so, yes. लाइक नहीं किया है, तो डू लाइक दिस से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो कर लो है ना डू लाइक दिस सेशन शेयर कर लो है न? ताकि सभी लोग इन क्वेश्चंस को अटेंड कर ले ऐसा मत सोचो कि सिर्फ हम ही प्रैक्टिस करेंगे, है ना बाकी सब को भी शेयर कर लो सेशन ताकि ऑल ऑफ देम कैन ओके क्वेश्चन नंबर आंसर थर्टी डेज इज प्लेंटिफ इन डाइज टू मेक एज पार्टीज टू सूट हिज लीगल हैव टू फाइल एप्लीकेशन सेक्शन है ऑर्डर ऑफ सी पी सी सेक्शन फोर्टी सेवन ऑर्डर ट्वेंटी टू रूल फोर रूल थ्री और सेक्शन वन फोर्टी एट यस भाग्यशली बिल्कुल सेवन्थ का आंसर हुआ सी इसका आंसर बताए एट्थ का यस फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट्स करें काफी सिंपल क्वेश्चन है का C, order 22, rule 3 के अंदर चीज़ अपन देखते हैं ओके okay? ओके okay? चलो पहले तो आप ये बताए क्या है सेक्शन वन वन फोर इसके बारे में बात करता है और इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑर्डर है तो ऑर्डर फोर्टी सेवन रूल वन फोर्टी सिक्स रूल वन फोर्टी एट रूल वन और फोर्टी फाइव रूल वन यस सो नाइन्थ का आंसुर इज वॉट इज द आंसर ऑफ नाइन्थ फोर्टी सेवन रूल वन ओके नाइन्थ का आंसुर इज ए ना फोर्टी सेवन देखते हैं अपन रूल सॉरी ऑर्डर फोर्टी सेवन और सेक्शन वन वन फोर ठीक है रिव्यू के रिगार्डिंग बात करते हैं अपन राइट right? चलो नेक्स्ट एज पर ऑर्डर 28 rule 3 of cpc in a suit where the party beginning to lead evidence has right to it is uh, 18 okay it is order 18 has right to reserve the production of rebuttal evidence on all the issues only on those issues burden of proving the same lies on him only on those issues where the burden of proving lies on the other party and no right to reserve yes exactly reviewer or order 47 yes very good यस क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर टेंथ का आंसर इज सी ओके ओनली ऑन दोज इशूज वेर बर्डन ऑफ प्रूविंग द सेम लाइज ऑन द अदर पार्टी ठीक है चलो नेक्स्ट अपन करते हैं

थ का बी ये तो सही है करेक्टली करेक्टली है दिस इज़ आपको इनकरेक्ट बताना है राइट right? तो 11th का आंसर रूल 13 जो है रूल थर्टीन के अंदर तो ऑर्डर नाइन रूल थर्टीन डील्स विद सेट असाइड डिग्री नॉट रूल नाइन ओके चलो नेक्स्ट इन सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन

यस एग्जैक्टली ट्वेल्थ आंसर इज सी एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ओके चलो नेक्स्ट अ सूट इन डिफेंडेंट काउंटर क्लेम इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ है काउंटर क्लेम ऑल्सो डिसमिस्ड काउंटर क्लेम मे बी प्रोसीडेड विथ इट इज टू बी रिटर्न फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन एज अ सेट सूट एंड मे बी प्रोसीडेड ओनली वेन सूट इज री यस काफी सिंपल क्वेश्चन है कौन सा बेसिकली ऑर्डर है जहां पर अपन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम ये सब देखते हैं कौन से रूल्स वगैरह यस विपुल कुमार पटेल आंसर दे रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर का। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करें सारे क्वेश्चन के आंसर्स को भी कमेंट करें आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज फिर लास्ट में ये भी बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ठीक है थीके? ताकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है राइट चलो तो थर्टीन का आंसर इज बी सिंपल काउंटर क्लेम में भी प्रोसीडेड विथ राइट ये अपन देखते हैं ऑर्डर सिक्स के अंदर अपन सॉरी ऑर्डर एट के अंदर अपन देखते हैं काउंटर क्लेम वाले प्रोविजंस, राइट right, चलो नेक्स्ट द रूल ऑफ डैम्प्यू डेट इज अ रूल रिलेटिंग टू कॉस्ट रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रूल ऑफ रेस्ट ड्यूटी और डी रूल ऑफ एविडेंस यस थर्टींथ का आंसर वॉज बी यस फोर्टींथ का फोर्टींथ का बी यस वेरी गुड अ रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ओके ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें राइट चलो नेक्स्ट वेर द डिक्री इज फॉर दार्टिशन ऑफ एन अनडिवाइडेड एस्टेट एसिस्ट टू देमेंट ऑफ रेवेन्यू टू दवर्मेंट पार्टीशन ऑफ दस्टेट शैल बी कौन करेगा उसका ठीक है मेड बाय दलैक्टर बाई द कोर्ट विच पास द डिग्री बाई द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट और बाई इश्यूंग कमीशन कंप्राइजिंग ऑफ एन एडवोकेट यस कौन करता है और इसका कौन सा सेक्शन है इफ यू कैन टेल मी दशन यस गुड आफ्टरनून शिप्रा वेरी गुड आफ्टरनून आशीष कुमार ए बता रहे वेरी गुड

जो सूट फाइल हुई थी वो पहले ही डिसाइड हो चुकी है जनवरी वाली से ओके एग्जाम इन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट दैट सूट फाइल्ड ऑन सिक्स जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी इज वैलिड एंड रेस ड्यूटी काटा विल द सूट फाइल्ड इन फेब्री एज इट वॉज फाइल्ड लेटर तो अब आपको बताना ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है मतलब पहली वाली सूट वैलिड मानी जाएगी या लेटर वाली सूट और रेस ड्यूटी काटा किस पे लगेगा यस yes, अच्छा क्वेश्चन है सिक्सटींथ का ए नहीं होगा भागेश ये स्टेटमेंट ट्रू थोड़ी है ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया अपन जब अपन रेजुटी काटा देखते हैं एक्सप्लेनेशन वन स्पेसिफिकली यही बात करता है सेक्शन इलेवन का कि जो चीज पहले डिसाइड हो चुकी है उसके अकॉर्डिंगली अपन डिसाइड करेंगे कि रेजुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा सो द करेक्ट आंसर इज बी ना कि ए दिस इज रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन वन ऑफ सेक्शन इलेवन राइट तो इट इज इमरियल के सूट जो है वो पहले ही इंस्टीट्यूट हो चुके थे वॉट इज मेटेरियल इज दैट जो चीज पहले डिसाइड हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली अपन रेज काटा का प्रिंसिपल यस yes, जो डिग्री पहले आई वो पहले मानी जाएगी यस एक्जैक्टली अंकिता ओके चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन यस

Where a decree is to be sent for execution to another court, the court which passed such decree shall send the decree directly to such other court, whether or not such court is situated in the same state. And d, where the holder of a decree for the possession of immovable property or the purchase or or of any such property sold in execution of a decree is resisted or obstructed by any person obtaining possession of the property, he may make an application to the court complaining of such resistance or obstruction. यस थ का आंसर ए यस वेरी गुड एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ठीक है ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट ठीक है ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेसिकली है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है कैन एनी वन टेल मी यस पेमेंट ऑफ मनी डिक्री में अरेस्ट नहीं होती है राइट ओके यस वेरी गुड ओके विपुल पूछ रहे हैं सर आप गुजरात से क्या नो आई एम नॉट फ्रॉम गुजरात आई एम फ्रॉम राजस्थान ओके यस एग्जैक्टली ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द फॉल्स स्टेटमेंट ओके अच्छा इसका कौन सा सेक्शन है आप बता दें यस नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द सोल प्लेंट डाइज आफ्टर द हेयरिंग ऑफ द सूट वाज़ कंक्लूडेड द सूट शैल अबेट कंटिन्यू एज इट इज कंटिन्यू इन द नेम ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव and he continue only if an application has been submitted within limitation for adding the legal representatives as plaintiff yes 18th ka yes section 56 is the correct answer good very good yes iska answer अंकिता डी बता रहे हैं भाग्यश्री डी बता रहे हैं ओके यस डी इज द करेक्ट आंसर ओके कंटिन्यू इफ एन एप्लीकेशन ओके कितने डेज कितने के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एड हो जाना चाहिए हाउ मैनी डेज कैन एनी वन टेल मी ओके डी इज द करेक्ट आंसर शिप्रा ओके चलो नेक्स्ट इन अ सूट फाइल इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी दूट कैन बी विड्रॉन कॉम्प्रोमाइज एंड अबेंडेंड एक्सेट्रा बाई द्लेंटिव ओके विदाउट नोटिस टू ऑलर्स आफ्टर नोटिस टू ऑलर्सन्स नाइदर वन और डी आईदर वन टू और थ्री डी तो कैसे होगा आइदर वन और टू यस सेक्शन नाइन्टी डेज यस नाइन्टी डेज ओके बिल्कुल बिल्कुल नाइन्टी डेज यस वेरी गुड नाउ नाइनटींथ का यस बी इज द करेक्ट आंसर आफ्टर नोटिस टू ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड इसका कौन सा ऑर्डर है और रूल कौन सा है कैन एनिमल टेन बी स्पेसिफिकली कौन सा है इसका ऑर्डर और रूल यस नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स आपको बताना है कौन सा फॉल्स है रीड द क्वेश्चन केयरफुली अपन को फॉल्स आंसर बताना है ओके okay? मतलब आंसर तो करेक्ट ही बताना है इसमें से All the statement Vatana. okay yes, every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who, in such suit shall be called the next friend, okay, no temporary injunction shall be granted by a court under order thirty nine rule one or two, where no perpetual injunction could be granted in view of the provisions of section thirty eight and forty one of s r a okay, see where it appears to the court to be just and convenient. The court may by order appoint a receiver of any property. वेदर बिफोर और आफ्टर एंड नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स यस विपुल बता रहे हैं रूल फोर यस एग्जैक्टली ऑर्डर वन रूल एट वेरी गुड अंकिता ट्वेंटी का बी आशीष बी बता रहे हैं शिप्रा डी बता रही है <coughs> इतना कंफ्यूजन कैसे है आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना आपने यस बी इज द करेक्ट आंसर ओके ये फॉल्स स्टेटमेंट है ऐसा थोड़ी है कि भाई टेम्परे इंजेंशन ग्रांट नहीं की जा सकती उस उसके लिए आपको परपेचुअल इंजेंशन या फिर

ओके यस इसका आंसर ट्वेंटी वन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन यस ए इज द करेक्ट आंसर प्रॉपर्टी सिचुएटेड राइट सेक्शन सिक्सटीन नेक्स्ट व्हाट इज द लिमिटेशन टू फाइल एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर नाइन रूल थर्टीन ऑफ सीपीसी क्या है लिमिटेशन यस यस ट्वेंटी सेकेंड का बताओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया करो आप आगे और फिर अपना आप अपना आंसर दें यस ए इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड थर्टी डेज इज द करेक्ट आंसर यस चलो नेक्स्ट एन एप्लीकेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ सूट हैज बीन फाइल्ड अलॉन्ग विथ परमिशन फॉर ग्रांट ऑफ लिबर्टी टू फाइल फ्रेश सूट इन सच एन एप्लीकेशन कोर्ट कैन allow the application without leave to file fresh suit reject or allow the application in toto can pass any appropriate order or d all of these yes 23 ka डी नहीं होगा बी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है रिजेक्ट और अलाउ दी एप्लीकेशन एन टोटो या तो पूरा आपको रिजेक्ट कर लो या फिर पूरा आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है तो बी इज दी करेक्ट आंसर ओके बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यस टोटल मतलब इन टोटलिटी पूरा एंटायरिटी में संपूर्णतः आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा या अलाउ करना पड़ेगा ओके okay, आशीष क्लियर

सिंपल क्वेश्चन है यस डी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया आपकी तैयारी बहुत अच्छी है वेरी गुड वेरी गुड ऐसे ही तैयारी कंटिन्यू रखें और देखो अब तो सीपीसी का वेटेज भी बढ़ गया है है ना एमपी में कितना हो गया एमपी के अंदर आई गेस सी का वेटेज भी बढ़ गया है कितना हो गया कितने मार्क्स का हो गया शन बीन ग्रांटेड विदाउट टू दी अपजिट पार्टी दी कोर्ट शैल एन एंडेवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ देशन विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम डेट ऑन विच इंजेंशन कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है यस ट्वेंटी मार्क्स का हो गया राइट यस एग्जैक्टली ट्वेंटी मार्क्स का हो गया बिल्कुल yes, 25 का? Yes, simple. थर्टी डेज एज दैक्ट आंसर ओके थर्टी डेज के अंदर अंदर करना होता है राइट right? चलो नेक्स्ट यस वेरी गुड अच्छा अब देखो आप लोग एम की तैयारी कर रहे हो अच्छे से एकदम ताबड़ तोड़ आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हो तो उसी के लिए आपके लिए सीरीज लाई गई है आप इस एम पी सीजे की टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से इवेल्युएट भी कर सकते हैं राइट तो यू कैन गो थ्रू दिस टेस्ट सीरीज आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी इसमें आपको जीके टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश के टेस्ट मिलेंगे पांच फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो अभी के पैटर्न के ऊपर आपसे पूछे जाएंगे और कुछ सोलह सब्जेक्ट टेस्ट पेपर भी पूछे जाएंगे सो यू कैन विजिट एंड बेसिकली स्कैन दिस क्यू कोड ओके चलो नेक्स्ट करते हैं विच इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर ट्वेंटी रूल नाइनटी कौन सा करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है राइट right? यस yes. मेटीरियल इरेग्युलेटी और फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग ऑफ द सेल इट मस्ट रिलेट टू कंडक्ट ऑफ सेल अलोनशियल इंजरी सच इंजरी मस्ट है बी यस वेरी गुड आशीष वेरी गुड बी इज द करेक्ट आंसर है ना ये इन करेक्ट स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है ओके okay? यस yes, चलो वेरी गुड जल्दी जल्दी आंसर मैं देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है ठीक है <coughs> और बता देना आपको गिफ्ट में भी क्या चाहिए ओके okay? <laughs> चलो नेक्स्ट करते हैं वेयर सूट इज अबेटेड और डिस्मिस्ड अंडर ऑर्डर ट्वेंटी टू ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन न्यू सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड कंसेंट ऑफ पार्टीज फ्रेश सूट May be filed with prior permission of the court, no fresh suit shall be brought, and the new suit shall be may be filed if sufficient cause is shown. Right? Yes, 27th ka. 27th ka B. Are you sure? शिप्रा का आंसर एकदम सही है बिल्कुल नो फ्रेश सूट शाल बी ब्रॉट ओके ऑर्डर ट्वेंटी टू के अंदर देखते हैं आपको बता सकता है कौन सा रूल है कौन सा रूल है जहां पर यह चीज लिखी हुई है यस वेरी गुड चलो नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर एट ट्वेंटी एट इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है चारों का आप अच्छे से पढ़ो फिर बताएं कौन सा स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट ओके यस आशीष ने सी बोला था अच्छा बिल्कुल बिल्कुल आशीष का आंसर भी सही है एग्जैक्टली exactly, आशीष बिल्कुल यस सी इज द करेक्ट आंसर यस ये भी काफी सिंपल है देखो जितने ज्यादा ऑप्शंस बड़े होते हैं उतना आंसर आपका इजी होता yes, है यस बिल्कुल आशीष का आंसर सी है वेरी गुड आशीष का भी सही है और इस क्वेश्चन का आंसर भी सी है राइट right? ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कंडीशन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है आपको यह बताना है न्यूमरस पार्टीज सेम इंटरेस्ट इन सूट लीव ऑफ द कोर्ट रिटर्न परमिशन ऑफ दोज हु आर बींग रिप्रेजेंटेड यस कौन सी नेसेसरी नहीं है ट्वेंटी नाइन का सी बता रहे हैं कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए होती है क्या ऑर्डर वन रूल एट के अंदर क्या कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए होती है यस वेरी गुड एंड अमन डी इज द करेक्ट आंसर रिटर्न परमिशन नहीं चाहिए सभी लोगों की जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं ओके सो आशीष डी इज द करेक्ट आंसर ओके सी नहीं होगा ओके यस वेरी गुड अंकिता ने बताया रूल पहले वाले क्वेश्चन का रूल नाइन ऑर्डर ट्वेंटी टू राइट चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट द रूल्स रिगार्डिंग समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेज आर कंटेंड इन कौन से ऑर्डर के अंदर बेसिकली ये सारी चीजें प्रोवाइडेड आपको ये बताना है प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ऐसे ही अपन सीख रहे हैं राइट चलो यस वेरी गुड आशीष का आंसर एकदम करेक्ट है पहली <coughs> सबसे पहले आशीष का आंसर है ये बी इज दी करेक्ट आंसर थर्टी का आंसर इज बी ऑर्डर नंबर सिक्सटीन, राइट right? चलो नेक्स्ट वेयर द अपीलेंट हैज विड्रॉन द अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट डिक्री पास्ड एक्स पार्टे द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर नाइन रूल थर्टीन शैल बी यस ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी बार पूछा जाता है पेन चेंज कर लेता है नहीं यस yes. यस ऑर्डर सिक्सटीन यस वेरी गुड थर्टी वन का थर्टी वन का ऑब्बियसली बी बता रहे हैं बी इज नॉट द आंसर बी सही नहीं रहेगा मतलब बी सही नहीं है आंसर यस बाकी सब व्हाट इज द आंसर थर्टी वन का ए भी नहीं है बी भी नहीं है सी इज द करेक्ट आंसर मेंटेनेबल होती है राइट right? टेनेबल होता है ओके सी इज द करेक्ट आंसर ऐसी एप्लीकेशन भी मेंटेनेबल होती है ओके okay? चलो नेक्स्ट अंडर विच रूल ऑफ ऑर्डर थर्टी थ्री ओके दार्टीज सॉरी ऑर्डर ट्वेंटी थ्री पार्टीज टू द सूट कैन कॉम्प्रोमाइज इन अ सूट राइट कौन सा वो रूल है आपको ये बताना है सिंपल क्वेश्चन सर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं देखो इसमें क्या है कि अपीलेंट ने जो है वो अपील को विड्रॉ कर लिया ठीक है जो भी उसने लेट से अगर उसने अपील वगैरह लगाई थी ठीक है यहाँ पर जो भी उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री पास हुई थी उसके अगेंस्ट उसने अपील कर ली उसने अपील, उस अपील को विद्रॉ कर लिया अब यहाँ पर ये पूछा है कि क्या ऑर्डर नाइन रूल थर्टीन की एप्लीकेशन जो उसने लगाई थी वो मेंटेन मतलब वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी तो बिल्कुल सस्टेन करती है इट इज़ ऑलमोस्ट अपन yeah, बोल सकते हैं इट इज वेरी मच मेंटेनेबल, राइट इसलिए इसका आंसर सी होगा आपका ओके यस थर्टी टू का रूल <coughs> फोर नहीं है थर्टी टू का थर्टी टू का तो सिंपल है ना बी इज दी आंसर रूल थ्री में दे रखा है ना जहां पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं राइट थर्टी टू का आंसर इज बी थ्री ए के अंदर तो बार है ना बार लगा रखा है राइट right, यस yes, बिल्कुल कल्पना का आंसर इज करेक्ट ऑर्डर ट्वेंटी थ्री रूल थ्री राइट चलो नेक्स्ट वेरी गुड प्रोविजन रिलेडिंग टू इंटरप्लीटेड आर कंटेड इन विथ सेक्शन ऑफ सीपीसी यस काफी सिंपल क्वेश्चन इसका ऑर्डर भी बता दो आप कौन सा ऑर्डर है यस yes, फर्स्ट yes b very good section 88 order order 35 yes very good chalo next an executing court can modify the terms of the decree can vary the terms of the decree can modify the terms of the decree except amount of compensation if awarded any and d can neither modify nor vary the terms of the decree yes यस क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का आंसर डी यस वेरी गुड कैन नाइदर मॉडिफाई नॉर वेरी टर्म्स ऑफ द डिग्री ओके चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंक्लूजन ऑफ हियरिंग ऑफ एंड दाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट इफ आइदर पार्टी डाइज अंडर ऑर्डर ट्वेंटी टू रूल सिक्स तो क्या होता है फिर प्रोसीडिंग्स अबेट होती है या नहीं होती है या कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है यस yes. काफी इजी क्वेश्चन फटाफट आप इसका आंसर दे दो यस देते फास्ट कौन देता है आंसर सबसे पहले यस बी इज द करेक्ट आंसर प्रोसीडिंग्स शाल नॉट अबेट है ना ये चीज लिखी हुई है रूल सिक्स के अंदर यस yes. डी नहीं होगा इसका अंकिता चलो नेक्स्ट पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल इंप्रिजनमेंट अंडर ऑर्डर थर्टी नाइन रूल टू शैल नॉट एक्सीड कितना एक्सीड नहीं करता है वो सिंपल यस थर्टी सिक्स यस बिल्कुल थर्टी फाइव आंसर वाज बी थ्री मंथ्स वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया एक्सीड थ्री मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है ओके यस नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेस्ट सब्जेक्ट इज इज कंटेंट इन मतलब इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता सीपीसी का राइट right? <laughs> ये तो मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है मतलब बच्चा बच्चा भी कर सकता है नहीं ये गलत मत कर देना यार बस ये तो गलत नहीं होना चाहिए आपका क्शन टेन ओके चलो वेरी गुड द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ गार्डियन एड लिटम फॉर अ माइनर प्लेटिफनली फॉर अ माइनर डिफेंडेंट ओनली फॉर प्लेनिडेंट बोथ एंड दी नफ दिंपल क्वेश्चन कल्पना आर यू गिविंग द आंसर बी फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट यस थर्टी एट का बी फॉर अ माइनर डिफेंडेंट ओनली ओके यस यस ये अच्छा क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से रीड करो फिर बताना कौन सा इसमें केस पूछा गया है ओके यस वेर द स्टेच्यूट गिव्स अ फाइनलिटी टू द ऑर्डर्स ऑफ द स्पेशल द सिविल कोर्ट्स जोशन मस्ट बी हेल्ड टू बी एक्सक्लूडेड इफ दर इज एडोक्ट रेमेडी टू डू वॉट द सिविल कोर्ट वुड नॉर्मली डू इन इन अट

धूला भाई एंड अदर्स वर्सेज द स्टेट ऑफ एम पी ओके यस नेक्स्ट विच ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ऑर्डर टू रूल टू यस का इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो है ना इसको आप कैसे कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो यस, फोर्टी का आंसर फोर्टी का आंसर ए नहीं है डी भी नहीं है केसेस वाले क्वेश्चंस में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है नहीं देखो एमपी के अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के भी और एम पी हाई कोर्ट के भी इंपॉर्टेंट जजमेंट आपसे पूछे जाएंगे राइट right? तो इसका आंसर है सी ओके सो 40 का आंसर है सी नेक्स्ट करते हैं अपन इश्यूज अराइज वेन डैश प्रपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट आर अफोन्ड बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाई यस यहाँ क्या आएगा फोर्टी वन का आंसर सी यस वेरी गुड मटेरियल प्रोपोजिशन राइट चलो वेरी गुड नेक्स्ट करते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू द्लेंटिफ में अबेंडन सूट ओनली आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड ओनली ओनली आफ्टर आफ्टर इश्यूज आर सेटल्ड स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड डी एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट yes <coughs> yes 42 ka yes d is the

चलो वेरी गुड और भी अपन ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के डेली बेसिस पर लेके आते रहेंगे ओके ओके आशीष कह रहे हैं सर ग्रेट थैंक यू शिप्रा कह रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यस थैंक थैंक यू यू चलो आगे करते हैं एज पर सेक्शन टू क्लॉस ट्वेल्व ऑफ सीपीसी मीन प्रॉफिट ऑफ प्रोपर्टी आर रिसीव बाई अ पर्सन इन अनलॉफुल पोजेशन लॉफुल पोजेशन या रॉन्गफुल पोजेशन या नन ऑफ दब वो क्या लिखा हुआ है टू क्लॉस ट्वेल्व के अंदर और यहां पर जो प्रॉपर्टी शब्द जो दे रखा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है या इमूवेबल के लिए होता है आप मेरे को बस इतना सा ये भी बता दें मूवेबल या इमूवेबल यस इमूवेबल यस वेरी गुड चलो बिल्कुल तो फोर्टी थ्री का आंसर इज सी रॉन्गफुल पोजेशन रॉन्गफुल टर्म इज गिवन अंडर दी बेसिकली सेक्शन टू क्लॉस ट्वेल्व ओके चलो नेक्स्ट जनरल पावर टू ट्रांसफर सूट अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोथ ए एंड बी एंड डी सुप्रीम कोर्ट यस इजी पिजी क्वेश्चन वेरी गुड इमोबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होता है मीन प्रॉफिट यस फोर्टी फोर का सी वेरी गुड ओके okay, आप सभी की बहुत अच्छी तैयारी है आशीष शिप्रा पंकज बागेश्ली शिप्रा ओके okay, कल्पना यस yes, एग्जैक्टली exactly. तो अपन बेसिकली इसी टाइम पर रोज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आप लोग रोज इस टाइम पे आ जाना और अपना इवोल्यूशन कर रहा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा राइट चलो नेक्स्ट करते हैं अपन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है यस yes, आप इसको पढ़ें फिर इसका आंसर बताओ सिंपल क्वेश्चन सेक्शन नंबर भी बताओ कौन सा सेक्शन है फोर्टी फाइव आशीष के आंसर एकदम फटाफट आ जाता है, नहीं वेरी गुड आशीष यस फोर्टी फाइव यस सेक्शन थर्टीन बिल्कुल ए इज दी करेक्ट आंसर ओके ए इज दी करेक्ट आंसर ये स्टेटमेंट आपके ट्रू है ओके okay? चलो नेक्स्ट एनी रिलीफ क्लेम्ड इन दी प्लेन विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री श्याल फॉर द दर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज ये कौन से एक्सप्लेन में दे रखा है सेक्शन इलेवन के यस सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल सेक्शन थर्टीन फोर्टी सिक्स का आंसर पंकज सी बता रहे हैं अंकिता पांचवा तो ऑप्शन ही नहीं अंकिता आपने फिफ्थ लिखा है अच्छा आप एक्सप्लेनेशन फिफ्थ लिख रहे हो ओके ओके यस फोर्टी सिक्स का आंसर इज क्शन फोर्टी सिक्स ऑफ सी पी सी फॉर अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर सर्विंग समन्स ऑन दर्सन रिजाइडिंग बियॉन्ड लोकल जरिस्टिक्शन सी सर्विंग अ वारंट ऑन दजमेंट डेटर एंड डी नफ दस क्या होता है इसका ऑब्जेक्ट यस यस एक्सप्लेनेशन फाइव समझ गया हमें बिल्कुल फोर्टी सेवन का फोर्टी सेवन का डी कैसे होगा प्रिसेप्ट का पूछा है इतना सिंपल क्वेश्चन आप ये गलत नहीं कर सकते ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्रिसेप्ट किस लिए अपन देते हैं इश्यू किया जाता है कम ऑन गाइस यस कल्पना का आंसर आया अभी तक बिल्कुल सही फोर्टी सेवन का ए इज द करेक्ट आंसर अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर राइट बी नहीं होगा तब बी क्यों दे रहे हैं आंसर रिसेप्ट तो अपन किस लिए इश्यू करते हैं ताकि अपन जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकें दूसरे वाले कोर्ट के जूस में अपन ये भेजते हैं ताकि प्रॉपर्टी को अटैच कर सकें राइट सर्विंग समन्स ऑन दर्सन रिजाइडिंग बियॉन्ड लोकल जूस ये तो है ही नहीं ओके यस ए इज द करेक्ट आंसर अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी द कोर्ट नॉट मेक अ रेफरेंस फॉर किसके लिए रेफरेंस नहीं किया जाता यस सिंपल क्वेश्चन 89 क्या है किसके बारे में बात करता है 89 नाइन यस सर ए होगा है ना बिल्कुल बिल्कुल ए ही होगा यस फोर्टी एट का बी यस वेरी गुड नेगोशिएशन जो है ये सेक्शन एटी नाइन में कहीं भी मेंशन नहीं है राइट right? ओके okay, चलो अपन अराउंड फिफ्टी फिफ्टी वन क्वेश्चन करेंगे ओके okay. चलो आगे करते हैं नो सेकंड अपील शैल लाइव फ्रॉम एनी डिग्री द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग कितना फिफ्टी ट्वेंटी फाइव थर्टी ट्वेंटी थाउजेंड है ना यस फोर्टी नाइन बी यस वेरी गुड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज इसका सेक्शन भी बता दो तो मेरे को मजा आ जाएगा सेक्शन नंबर कौन सा है यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन टू क्लॉज इलेवन मीन्स अ पर्सन हु इज अ क्लोज रिलेटिव who in law represents the estate of a deceased person who represents a party in the suit and d either a b or c ये सबको याद है सर अच्छा याद है तो कौन सा सेक्शन 102 यस yes. चलो वेरी गुड इसका आंसर बता दो 50 का डी कैसे होगा बी यस बी इज द करेक्ट आंसर देखो अपन लोगों की जनरल होता है या फिर either होता है ना, वो को लगता वो सही होगा ठीक है mostly, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन या ऑप्शन को आप रीड करो ये चीज थोड़ी लिखी हुई है टू क्लास इलेवन में क्लोज रिलेटिव वाला राइट तो डी कैसे होगा फिर ओके तो बी इज द करेक्ट आंसर ओके यस yes. नेक्स्ट <coughs> Under section 32 of CPC, the maximum fine which can be imposed by the court for compiling the attendance of any person to whom a summons has been issued under section 30 is yes, kitna fine is imposed? Simple question 5000 rupees. Yes, very good. 5000 rupees is the correct answer. Okay. यस सी इज दी करेक्ट आंसर ओके सो दिस इज इट फॉर टूडेज क्लास ये आज के क्वेश्चन थे आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे अपन ने अच्छे से अराउंड फिफ्टी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ठीक है तो अब आप अगर जुडिशरी की तैयारी को अच्छे से अपने पेस पर करना चाहते हैं या अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच ठीक है कल से स्टार्ट हुआ है डेमो क्लासेस चल रही है यू कैन रजिस्टर फॉर दिस डेमो क्लासेस एंड ज्वाइन दिस सेशन ठीक है तो दैट्स इट फॉर टूडेज सेशन ओके बाकी अपन कल क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे लगे क्वेश्चन सर ओके थैंक यू शिप्रा ठीक है ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन और करेंगे ओके सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ओके थैंक यू बाय बाय टेक केयर एंड कीप स्टडिंग लाइक दिस ओके कल कौन सा सब्जेक्ट होगा सर कल भी अपन सी पी सी के रखते हैं ओके सी पी सी के कल अपन क्वेश्चन करेंगे ठीक है कल भी अपन सी पी सी के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सीपीसी का वेटेज बढ़ गया है तो सीपीसी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे है ना ट्वेंटी मार्क्स का आपके सी आएगा तो अपन दो तीन दिन सी के करते हैं उसके बाद में अपन दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टार्ट करेंगे ओके तो वेलकम कल्पना आ, अब आशीष पूछ रहे हैं अब क्या होगा नेक्स्ट यस अपन सी पी सी के क्वेश्चन करेंगे थैंक यू ओके थैंक यू एवरी वन ओके यस चलो बाय बाय टेक केयर